देखिए हमारे बाबूजी छपर पन्नी लगा रहे हैं। बाबू जाओ हेल्प कर दो। और ये देखिए दोस्तों मौसम कितना खराब हो चुका है, पानी बहुत तेजी से बरस रहा है, एकदम मौसम पूरा खराब है। और हमारे परी के पापा भी काम पर से नहीं आए हुए हैं, वो काम पे गए हुए थे सुबह और 5:30 बज रहे हैं, पता नहीं इनका छुट्टी हुआ कि नहीं, सही से गए हुए हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का नीपा ब्लॉग्स में। और अभी देखिए दोस्तों सुबह सुबह मौसम कितना ख़राब हो गया, आप लोग देख सकते हैं कितना बादल छाया है आसमान में, तो थोड़ा पानी बरसने की संभावना है दोस्तों। तो इसलिए हमने सोचा कि चल के जो हमने कांडा जो है तो पाथा था, परी की मम्मी यहाँ पे छत पे पाथी थी ना, ये तो पूरा सूख चुका है। तो देखिए हमारी मम्मी जी उसको कांडा जो है इकट्ठा कर रही हैं, और अभी इकट्ठा करने के बाद में दोस्तों इसको हम एक इसके ऊपर से पन्नी डाल देंगे तो थोड़ा सा ये बच जाएगा, नहीं तो अगर मान लो पानी बरसता है तो दोस्तों प्रॉब्लम होगा, क्योंकि छत के ऊपर है तो ये वाला छत, जिस छत पे दोस्तों मैं बैठा हूँ ये बहुत डाउन है, यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है। तो बेहतर ये रहेगा कि हम लोग इसको एक जगह पे कर देंगे और उसके बाद में इसके ऊपर से पानी डाल देंगे तो ये बच जाएगा दोस्तों, और पानी से रास्ते से होकर के ऐसे जा कर के फिर जो है बाहर निकल जाता। वहाँ पर देखिए दोस्तों एक पाइप लगा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको चल के, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये, तो हमारे छत का पानी जो है दोस्तों इस होल के रास्ते से होकर के बाहर निकल जाता है। देखिए तो अभी हमारी अम्मा जो है इसको इकट्ठा कर चुकी है दोस्तों, और वही मैं ला करके इसके ऊपर से पॉलीथीन डाल देता हूँ, मान लो बारिश होता है तो दोस्तों ये बच जाएगा। और फिलहाल अभी तो मतलब संभावना कुछ कम हो गया है पानी बरसने का दोस्तों, क्योंकि इधर जो है बादल कुछ अच्छा हो गया है। देखिए तो देखिए दोस्तों हमारी मम्मी इधर जो है कंडा के ऊपर अभी डाल रही हैं पन्नी, आप देखिए एक वाइट वाइट ये पन्नी थोड़ा सा छोटा है लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके ऊपर से दोस्तों हम एक ईंट रख देते हैं यहाँ पर, और एक ईंट दोस्तों मैं इधर रखता हूँ, इसको कहाँ रखें माँ, यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों मैंने जो है पन्नी को डाल करके और दो ईंट रख दिया है, और ये चूढ़ाई जो है इसके ऊपर से रख देते हैं, अभी उड़ेगा नहीं तो अभी ये मस्त हो गया, बच जाएगा मान लो अगर पानी बरसता है तो दोस्तों। तो चलिए अभी नीचे चलते हैं, देखते हैं परी की मम्मी खाना में क्या बना रही है, थोड़ा सा कुछ हेल्प करते हैं चल के नीचे। तो अभी चल रहा है दोस्तों मैं नीचे, देखिए हमारी परी बुला रही है हमको। पापा। हाँ परी, मम्मी बुला रही है। मम्मी बुला रही है, चलो ठीक है। तो देखिए अभी दोस्तों मैं नीचे आ गया हूँ, बोल रही है ना कि मैंने अपना कंडा एकदम पूरा ढक दिया दोस्तों। देखिए यहाँ पे परी की मम्मी भी खाना बना रही है, और परी हमारी देखिए दोस्तों एकदम पूरा रेडी हो गई है स्कूल जाने के लिए, मस्त एकदम है कि नहीं परी? हाँ। तो चाय वगैरह पी की नहीं? नहीं पी। और बाबू पूरी? और देखिए दोस्तों अभी यहाँ पे हमारा खाना बन रहा है मस्त एकदम, यहाँ पे आटा जो है परी की मम्मी ने सान दिया है, और रोटी बनेगा, रोटी नहीं पूरी बनाएंगे, पूरी बनेगा। हाँ, इसमें जीरा डाले हैं, मर्चा भून के नमक और खान से वो किया है। अच्छा, तो आज दोस्तों पूरी छनने जा रहा है हमारे घर पर, परी हमारी चाय से खाएगी। देखिए परी भी बनाना शुरू कर दी है यहाँ पे, देखिए। और कुकर देखिए दोस्तों हमारा मस्त आवाज कर रहा है यहाँ पर, हम बना रहे हैं देरी होगा, तो जल्दी जल्दी बनाओ परी, ठीक है? देखिए दोस्तों हमारी परी कितना मस्त बनाने जा रही है, और ये देखिए दोस्तों हमारी परी कितना मस्त पूड़ी बना रही है, पूड़ी बना रही है कि रोटी परी? पूड़ी। पूड़ी, तो ये तो देखिए दोस्तों जैसे लग रहा है की रोटी बना रही है परी ना, कितना बड़ा रोटी है लेकिन पूड़ी का छोटा है, वैसे देखने में तो लग रहा है कि जिससे रोटी है दोस्तों बट ये पूड़ी है, हम ये चाय से खाएगी ना। तो देखिए परी हमारी जो खुद बनाएगी और खुद खाएगी दोस्तों, उसके बाद फिर पढ़ने जाएगी। तुम भी लो, पनीर का पूड़ी तैयार हो जा रहा है, ये देखिए। तो दोस्तों तेल गर्म हो गया, देखिए मस्त एकदम पूड़ी छन रहा है, कितना मस्त फूल गया ना। हाँ देखिए मस्त लाल लाल एकदम हो गया मस्त। तो दोस्तों हमारा पहला पूड़ी जो है रेडी हो गया, इसमें जानते क्या डाले हैं परी?
जाओ तुम इसको खाओ, ठीक है, अपना पूरी खाओ, नहीं तो तुम्हारा लेट होगा। स्कूल कितने बजे से है? 7:30। और अभी देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा पूरी भी रेडी हो गया। परी बना रही है मस्त, और इधर परी की मम्मी उसका जो है लोई काट करके दे रही, थोड़ा थोड़ा करके। परी अब जाओ तुम खाओ, ठीक है? हाँ दोस्तों देखिए कितना मस्त। तो परी जाओ तुम खाओ थोड़ा पूरे, ठीक है? चाय दोस्तों, हमारा चाय भी इधर रेडी हो गया, देखिए। तो अभी चाय छान करके दे रहे हैं परी को पीने के लिए। परी चलो चाय छानो। हाँ दोस्तों देखिए, हमारा ये भी पूरी तैयार हो गया। और देखते दोस्तों अभी हमारा परी जो है खा रही है पूरी। कितना पूरी ली हो परी? देखिए दोस्तों, 3 पूरी ली है परी हमारी, पसंद है ना, खा रही है मस्त एकदम चाय के साथ में। चाय मीठा है कि नहीं? देखिए दोस्तों बोला ये वाह बहुत सुंदर है, कितना मस्त, बहुत अच्छा लगता है ना पूरी दोस्तों। तो परी को बहुत प्यारा लगता है दोस्तों पूरी, मस्त खा रही है। पूरी में जीरा और नमक डाला गया है, अरे खाने से मोइन किया हुआ है, अब मार्च पर भूल के डाले हैं सूखा ना, तो दोस्तों बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए दोस्तों, हमारा आयुष भी आ गया, पता नहीं कहाँ पे गया था। कहाँ गए थे आयुष? महुआ बिनने गया था दोस्तों। अभी ये भी आ करके चाय और पूरी खा रहा है दोस्तों, मस्त एकदम बढ़िया रहा पूरी, सही है। तो आज तो जल्दी आ गया तुम, दो पेपर है आज तुम्हारे, आयुष का 2 पेपर है स्कूल में, एक 7 बजे से ना, एक 7 बजे से और दूसरा कितने बजे से है? फिर 7 बजे से मतलब नहीं, मौखिक हो जाएगा तो कंप्यूटर को दे देंगे। मौखिक होने के बाद में फिर कंप्यूटर वाला पेपर आ जाएगा दोस्तों। तो फिर कितने बजे छुट्टी होगा? 12 बजे। तो 12 बजे तक फिर वापस आ जाएगा दोस्तों घर आयुष। और अभी क्या पूरी बनेगा, पूरा की रोटी भी बनेगा? इसका पूरी बनाएंगे, रोटी वाला अलग से खाएंगे, इसमें नमक डाला हुआ है ना, अच्छा नहीं लगेगा नहीं तो सब्जी से ये वाला। हाँ ठीक है। तो अभी दोस्तों हमको आलू भी बोलना है, देखिए दोस्तों इसमें इसका छिलका निकालना है, ये देखिए इसमें दोस्तों आलू रखा हुआ है उबलने के लिए, उबल चुका है, मतलब उबल चुका है। तो अभी इसको जा रहे हैं, देखो इसका गैस पहले निकालते हैं, निकल गया है, वैसे निकल गया दोस्तों। ये देखिए दोस्तों आलू जो है था इसमें, ये उबल गया है। तो चलिए इसका छिलका निकालते हैं दोस्तों अभी मस्त। देखिए दोस्तों अभी मैं इस थाली को लेकर के आ गया हूँ। हाँ छिल लीजिए। और अभी इसको मैं इसमें रखता हूँ, ये तो गर्म है, और किस निकालो किस चीज से, ये लो ये वाला नहीं, चलो ऐसे निकालते हैं। ओ काफी गर्म है, घर में सोने हम दे रहे उसे आगे निकालने, इसको सीख से निकालेंगे दोस्तों। देखिए बाबू घर में सो ले आओ, कर्च ला दो, जा लेके आओ। तो दोस्तों अभी हमने सारे आलू जो है निकाल लिए हैं थाली में, देखिए रख दिए हैं कुकर से निकाल करके, और पानी काफी गर्म था दोस्तों तो इसलिए मैंने इससे ये वाले सिंक से निकाला है दोस्तों। देखिए ये वाला सिंक, आइडिया अच्छा था, तो थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ता है दोस्तों, नहीं तो हाथ भी जल जाता है ना। तो चलिए पहले इसको निकालते हैं दोस्तों, इसका छिलका निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने जो है पूरे आलू छील लिए हैं, सिर्फ 2 आलू बचा है, पर एक पापा भी छिलवाए हैं 2 एक आलू। तो देखिए दोस्तों अभी इतना आलू जो है छिल चुके हैं, छिलेंगे क्या, 2 बचा है, और अभी ये 2 आलू बचा है कि नहीं। तो ये 2 आलू छिल करके दोस्तों उसके बाद फिर इसको हम काटना शुरू करते हैं। हसिया भी आ गया कि नहीं? हाँ हसिया ला के रखे हैं। देखिए दोस्तों हम लोग तो ये सब्जी आलू ये सब हसिया से काटते हैं, आप लोग कैसे काटते हैं? तो ऐसे तो मतलब गांव में हसिया से ज्यादातर काटा जाता है दोस्तों, शहर में तो लोग चाकू से काटते हैं, तो हम लोग गाँव में तो ऐसे ही दोस्तों काटते हैं हसिया को लेकर के। तो अभी देखिए फाइनली दोस्तों पूरा आलू छिला जा चुका है, अभी मसाला भी देंगे। तो देखिए दोस्तों अभी हमने आलू काट लिए हैं एकदम पूरा मस्त, ये पूरा आलू कट चुका है दोस्तों। तो अभी इसका जो है बनेगा कचालू, और इधर देखिए मसाला, दाल में हल्दी डालने जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी दाल में जो है हल्दी डाल दिया गया है, अभी दाल बन रहा है, दाल चावल, और पूरी तो ऑलरेडी छान चुका है दोस्तों, देखिए मस्त इसमें रखा हुआ है।
नमक कहाँ पे है और नमक डाल दो और जल्दी से कचालू बनाओ, ठीक है। तो दोस्तों हाँ, आज हमारे घर बनेगा कचालू, इसका जो हमने आलू काटा है। परी आज को बहुत पसंद है, देखिए नमक डाल देंगे। और ये देखिए दोस्तों, परी का हाथ कट गया है। परी कैसे कटा है? इससे इससे परी ने अपना हाथ काट लिया, देखे तो। अरे देखिए दोस्तों, बाबू हमारा ठंडा लेके आया है। इसके रुपये क्या लेके आया है बाबू? कौन ठंडा? कौन सा चीज है? मैंगो। क्या? पानी। पानी दिखा दे। देखिए हमारा क्या बोला था, क्या ये देखिए, देखते हैं दोस्तों ये क्या है। माजा है, रुक जा। माजा देखिए दोस्तों, ये लोग क्या है, माजा। तो देखिए दोस्तों, बाबू हमारा खोल के पीने जा रहा है। कहाँ से लेके आए हो बाबू? गांव पर से। किसके यहाँ से लेके आए हो? दुकान से बगल के। अच्छा ठीक है। अच्छा सबको तो बराबर पी ले सब लोग, ठीक है। देखिए दोस्तों, इन लोगों को माजा बहुत पसंद है। बाबू तुम्हें कौन सा पसंद है? ये माजा वाला। परी तुमको? माजा वाला। कौन सा? माजा वाला। हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों हमारा गु कितना मस्त है। तुमको मजा वाला? अच्छा ठीक है, सब लोग पी लो। तो देखिए दोस्तों, आज का मौसम बहुत ही ख़राब हो चुका है। ये थोड़ा सा जो गेहूं था हमने डाला था सूखने के लिए, बिया वाला गेहूं था, तो मौसम ख़राब इसलिए जल्दी इसको बटोर ले रहे हैं। और वहाँ पे देखिए हमारे बाबू जी छपरे पन्नी लगा रहे हैं। बाबू जाओ हेल्प कर दो। देखिए दोस्तों, थोड़ा थोड़ा चूता है दोस्तों, तो इसलिए इसको लगा रहे हैं। तो दोस्तों अब मौसम बहुत ख़राब हो चुका है, और हम और हमारे बाबू जा रहे हैं, हमारे दोनों को भूसा पड़ा हुआ था उसी को तोपना है, तो हम लोग तोपने के लिए जा रहे हैं। तीन भक्कू है। ठीक है, चलो चलते हैं। हाँ चलो आओ, जल्दी चलो, नहीं तो ख़राब हो जाएगा सब। अरे देखिए दोस्तों, हमारा ये भूसा है, तीन भक्कू है, इसको हम लोग को ढकना है। मौसम बहुत खराब है तो ढकने जा रहे हैं। बाबू मेरा पानी खोल दिया है ना बाबू? चलो रखो, तो पूछो क्या कर रहे हो? भक्कू हट जाओ रे, बंदर है, बंदर। देखिए दोस्तों, हमारा टिंकल गिर जा रहा था, अभी टाटी बांधना बाकी है, तो इसकी बार हम रखे अंदर। अब मौसम तो खराब, पानी भी देखिए बरसने लगा है पूरा एकदम। चलो चलो रख दो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अंदर हमने रख दिया है। चलो बाबू अब ठीक है, चलो अब रखने की जगह भी नहीं है। और देखिए दोस्तों, मौसम तो काफ़ी ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों हम लोगों ने तोप करके ढक करके रख दिया है। अब भक्कू अपना भूसा भी तोप दिया, भक्कू वाला, और फिर वहाँ पर टिल्ठा बंदा रख दिया हमने। अब चल रहे हम लोग, पानी बरसा, मौसम बहुत ख़राब हो चुका है ना बाबू? देखिए हमारे बाबू पर पानी पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा। बैठे तो पानी, मारे हमारे ऊपर ढेला गिरा दी। हाँ दोस्तों, लोग पानी गिर सर खुल गया है। चलो अभी देखते हैं, ठीक है। बड़ा खुल गया। देखिए तो यहाँ पर अंगूरी। हाँ बाबू लग गया है, वही लोग भक्कू के अंदर पन्नी नीचे छुपे हुए थे, पानी भरा रहा था। आए तुरंत हीट दी पन्नी, तुरंत रिश्ता ने इसको पन्नी हीट दिया, गिर गया। देखिए दोस्तों, मौसम बहुत खराब हो चुका है। बाबू हमारे यहाँ पर जल्दी चल रहा है। देखिए दोस्तों, पानी को भर के परी बोली स्प्राइट। चलो जल्दी चलो, चलो अंदर। तो दोस्तों देखिए, मौसम ख़राब है, अभी हमारे पापा काम से भी नहीं आए। दोस्तों पानी बरस रहा, कैसे हमारे पापा आएंगे? भीजते हुए आएंगे। दोस्तों फोन करके लगाए हैं, पापा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं दोस्तों, ये पूछ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, मौसम बहुत ज़्यादा खराब है, काफ़ी तेज हवा चल रहा है और पानी काफ़ी तेज रहा है, चमक भी रहा है देखिए। और परी के पापा भी काम पर से नहीं आए दोस्तों, तो काम पर गए हुए थे बस्ती, और देख पता नहीं कैसे वो आएंगे, हम तो ही परेशान हैं उनके लिए। साइकिल से गए हुए हैं, और देखिए कैसे आते चलते हैं, देखते हैं। फ़ोन लगा कर उनके पास, किसी उनके दोस्त के पास फ़ोन करेंगे। और मौसम कम खाना की बात देखिए, पानी बरस रहा है, ये देखिए दोस्तों, पानी पूरा सीने से तब तक पूरा है, धीरे धीरे देखिए कैसे।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पापा पानी में भीगते हुए आ रहे हैं, काम पे गए थे। पापा आ गए, लाला आ गए, भीग गए। देखो बारिश हो रहा है ना, ठंडी लग रहा होगा ना, बहुत ठंडी लग रहा है। ठीक गए यहाँ, इतना बारिश में भीग गया। देखिए पूरा शर्ट पैंट सब भीग गया। चलो ठीक है, चल चाय बनाए, पी लो।